Just like the street lights lit this town. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. वेलकम टू माई चैनल, आई एम वंदना और आज मैं हूँ पूरी में एंड दिस इज़ द डे टू. आप ऑलरेडी डे वन देख चुके हैं एंड मेरे को आपसे बात करने का टाइम नहीं मिला. दैट वॉज ऑल इन स्मॉल स्मॉल क्लिप्स. तो मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ. डे वन का आपने वही देखा है एंड डे टू में आज है जो कि हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं एंड वी आर स्टेइंग इन इनकम टैक्स गेस्ट हाउस. मेरे फादर इनकम टैक्स में हैं तो उनको गेस्ट हाउस यहाँ पे मिला है. तो वी आर स्टेइंग हियर एंड अब हम रेडी हो रहे हैं सब लोग एंड अब हम निकलेंगे. आज हमारा चिल्लिका जाने का प्लान है. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो स्टे ट्यून एंड कम अलोंग विद मी. सो या लेट्स गो. हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, फिर यहाँ से निकलेंगे. सी यू. तो अब हम निकल गए हैं चिल्लिका के लिए एंड हम बाय कार बाय रोड जा रहे हैं. सो हम लोग अराउंड ब्रेकफास्ट करके हम लोग 11 o'clock तक निकल गए थे एंड हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इनफैक्ट. तो हम लोग को जिस पॉइंट पे जाना था वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं चिल्लिका के डिफरेंट. तो हम लोग कालीजाई मंदिर हम लोग विज़िट नहीं कर पाए और हमने देखा डॉल्फिन शो एक हमने देखा और वहीं पर हम उस एरिया में थोड़ा सा घूम के आए. दो हमारा मंदिर विज़िट करने का भी मन था बट उसके लिए लेट हो गया था. वो आई थिंक लंच के बाद ऐसे कोई टाइम पे बंद हो जाता है तो हमारा वह लेट हो जाता है वहाँ जाना. तो वो एक दूसरा पॉइंट की तरफ से अगर हम जाते तो शायद हम वो मंदिर विज़िट कर पाते. तो वो हमारा मिस हो गया और यहाँ पे एक बोट की बुकिंग करनी पड़ती थी. दिस वॉज़ द पॉइंट जहाँ से हमने बोट की बुकिंग ली थी एंड वो अराउंड 2300 के अराउंड टोटल बुकिंग अमाउंट था और एक बोट जिसमें कि वो लोग 7 to 8 पर्सन्स को सैर कराते हैं, डॉल्फिन दिखाते हैं. दैट वाज द थिंग. तो हम लोग ने एक बोट बुक करी थी और हमारी पूरी फैमिली, जो हमारा पूरा ग्रुप था, हम लोग काफ़ी लोग ऑलरेडी हो गए थे तो हमारा एक ही बोट हमने बुकिंग की थी और एक पूरा हमारा ही बुक हो गया था. सो एवरीबडी वॉज रियली हैप्पी और एक्साइटेड डॉल्फिन्स देखने के लिए और मेरी बेटी तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी. सो हम लोग को बहुत मज़ा आने वाला था और अभी यहाँ से हम लोग निकले ही थे, थोड़ी ही दूर गए थे. अभी तो ये जर्नी बहुत लंबी थी. हम लोगों ने पहले कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और उनके पास कुछ दाना था जो हम दे के उनको अपने पास बुला सकते थे बोट के पास. सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच दीज न्यू वैरायटी ऑफ बर्ड्स और बहुत मज़ा आया इनको देखने में भी. थोड़ी दूर तक हमने इनको देखा, देन उसके बाद काफ़ी आगे जाने के बाद पानी में हम लोग को डॉल्फिन्स दिखे. तो बोट में जो हमारा टाइम था, थोड़ा बहुत स्नैक्स और चिट चैट टाइम था. हम लोग सब बैठ के गप्पे मार रहे थे, थोड़े बहुत स्नैक्स खा रहे थे, बर्ड्स देख रहे थे. देन जब भी हमारा जो बोट वाला बंदा था वो हमको डॉल्फिन्स दिखा रहा था तो हम डॉल्फिन्स भी देख रहे थे, जो कि बहुत रेयरली, बहुत मुश्किल से एक एक डॉल्फिन दिख रहे थे हमको. बट बहुत टाइम लगा, पूरा टाइम हम लोग को बोट में बैठे रहना पड़ा. इट वाज अराउंड 2-3 आवर्स या फिर एटलीस्ट 2 आवर्स तो था. एंड सी के उस साइड पे एक आइलैंड है जहाँ पे हम गए थे और वहाँ पे भी एक बहुत ब्यूटीफुल सा बीच है जहाँ पे हमको वो लेके गए थे. एंड यू कैन आल्सो हैव स्नैक्स देयर. वहाँ पे स्नैक्स की पूरी प्रबंध करके रखा हुआ था तो पूरी तरह से आपको सी फूड, बहुत अमेजिंग, बहुत यमी वाला सी फूड मिलेगा आपको वहाँ पे और आप वहाँ पे ऑर्डर देके बीच का मज़ा ले सकते हो. तब तक आके आप अपने स्नैक्स खा सकते हो. तो या उस दिन हमने बहुत यमी सी फूड खाया. दो मैंने एक भी पिक्चर या एक भी वीडियो उसका नहीं लिया बिकॉज वी वर वेरी वेरी हंग्री. तो मतलब जैसे ही खाना आया हम सब टूट पड़े खाने के ऊपर. और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कुछ डॉल्फिन्स देखे थे बट आई डोंट नो, वीडियो में कोई भी कैप्चर नहीं हो पाया ठीक से क्योंकि हम लोग देखने में ही इतने
बिजी हो गए थे तो कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ डॉल्फिन, बट एटलीस्ट वी सॉ देम. तो या आई वॉज रियली हैप्पी और सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे. आप देख सकते हैं मेरी बेटी गाने गा रही थी, शी वॉज रियली हैप्पी एंड इन्जॉइंग हर सेल्फ. तो ये पानी को देखते देखते डॉल्फिन्स को स्पॉट करते करते हम लोग फिर एंड में हम लोग जो बीच था, जो आइलैंड था, वहाँ तक पहुँचे. एंड वहाँ पे हमने थोड़े से स्नैक्स ऑर्डर करे अपने लिए और तब तक हम लोग बीच के पास गए. बीच में हमने थोड़ा सा इन्जॉय किया, फिर वापस हम लोग अपने स्नैक्स खाने आए. सो द सी फूड वॉज रियली यमी देयर, यू मस्ट ट्राई. बिकॉज यहाँ पे मैंने क्लिप्स ऐड नहीं कर रही है, तो आई एम अर्जिंग यू कि आप ज़रूर खाएं वहाँ का सी फूड, ज़रूर ट्राई करें. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश और प्रॉन्स वो लोग बना के देते हैं, सो इट वॉज रियली यमी. अभी हम लोग वॉक करके वो आइलैंड पहुंच गए हैं. वॉक करके हम लोग सी बीच की तरफ जा रहे हैं. ये पूरा यहाँ का व्यू ऐसा है, बीच में पूरे ट्रीज़ हैं और यहाँ से हम लोग भी जा रहे हैं धीरे धीरे सी बीच की तरफ. और अभी बस 2 मिनट्स और लगेगा एंड देन वील बी देयर एट द बीच. सो हेयर इज़ द सी बीच. आप विंड की साउंड सुन सकते हैं, इट वॉज रियली विंडी. और क्या बहुत मज़ा आया, बहुत ही ब्यूटिफुल व्यू था और बीच भी काफ़ी खाली था. सो यू कुड इन्जॉय योर सेल्फ. और बिकॉज कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था जब हम गए थे, सो हमको खाली स्पेस मिल गई एंड वी इन्जॉयड आवर सेल्फ अ लॉट. जैसे कि आप देख रहे हैं बीच काफ़ी खाली था, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमने अपने मास्क वगैरह भी कुछ टाइम के लिए निकाल दिए थे. एंड या हम लोग वॉक कर रहे थे पानी पे, सैंड पे, एंड इट वाज रियली कामिंग और बहुत अच्छा लग रहा था. ये जो हमने एक ब्रेक लिया, दैट वाज टोटली वर्थ इट बिकॉज वी नीडेड दिस ब्रेक. और हम लोग सब घर पे बहुत ज़्यादा पक गए थे, सो या दिस वाज मच नीडेड. अब बाकी लोग बीच पे इंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा हवा खा रही हूँ. सो इट वाज रियली अमेजिंग. ये एक सी बीच है जो काफ़ी कम लोग जाते हैं, तो यू मस्ट गो टू दिस बीच. अगर आप चिल्लिका तक जाते हैं तो ये बीच भी आपको विज़िट करना चाहिए. एंड इट वाज रियली नाइस. बीच पे खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था. एंड क्या हमारा इवनिंग तक यहीं आज टाइम चला गया. उसके बाद हमने फिर वहाँ से वापस बोट लेके हम वापस अपने स्पॉट पे आके वहाँ से हमने अपनी बाई कार हम लोग वापस पूरी चले गए. सो दैट वॉज द होल डे देयर. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द ब्लॉग. आई होप यू एंजॉयड इट. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर.